Jungle. सूरत में रुस्तमपुरा में गर्भवती महिला ने दहेज प्रथा को लेकर किया फरियाद। उस महिला ने बताया कि 7 फरवरी 2017 को मेरा निकाह आफताब अरिफ कथरादा के साथ हुआ था, लेकिन 4 से 5 महीने बाद मेरे पति ने मेरे ऊपर शंका कुशंका करना शुरू कर दिए और शादी के समय दहेज में कार, फ्लैट व 25 तोला सोने की मांग की थी, जो हमारे पिता ने पूरा किया। पर पति का कहना है कि फ्लैट अभी तक तुम्हारे पिता ने मेरे नाम क्यों नहीं किए। इस विवाद को लेकर मेरे पति ने मायके जाने व मोबाइल से बात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को जब मैंने अपने सास ससुर को बताया तो सास ससुर ने भी अब शब्दों का प्रयोग कर प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद मायके पक्ष में समाज के अज्ञमानों के सामने इस मामले को सुलझाने का प्रयास किए, फिर भी पति सास ससुर द्वारा हमारे चरित्र पर गलत तरीके से दाग लगाने की कोशिश किए तथा दहेज की भी मांग करते रहे, जिसको लेकर लड़की ने सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके साथ साथ लड़की ने मीडिया के सामने भी अपनी बात को रखी और न्याय मांगी। हमारे संवाददाता अमरजीत निषाद की रिपोर्ट, समय नेशनल, सूरत। मेरा नाम मोहम्मद अनीफ नसीर मोहम्मद जरीवाला। मेरा रहने का रुस्तमपुरा मोमना वार्ड फकरी मंजिल जीवन ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ और मेरी जो छोकरी है उसका नाम है शबनम आफताब कथरादा। उसकी 7/1/2018 को शादी हुई थी। उसके ससुराल वालों ने 1 से 1.5 महीना अच्छा रखा था और उसके बाद उसके साथ मानसिक त्रास, उसकी जो 25 तोला सोना उसको गाड़ी भी दी थी मैंने, उसके बाद वो लोगों ने उसको बहुत ही खराब दिश से रखा और उसने ऐसी मांगे करी कि भाई तेरे बाप से बात कर के हमको 3 रूम में किचन का फ्लैट दिला दे तो हम तेरे को रखेंगे, हमारे पास रहने की कोई जगह है नहीं। मैं आप बाबत मैंने ये बाबत में फरियाद पुलिस कमिश्नर साहब श्री को भी करी थी और उसके बाद सलाबतपुरा इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर विनोद चौधरी साहब को भी मैंने फरियाद दी थी और वो फरियाद की तपास में ये गुनाह साबित हुआ और इसके बारे में जोन 3 साहब और SP साहब मैदरपुरा और विनोद चौधरी साहब ने उसकी बहुत अच्छी रीत से तपास की है और इसके बारे में कल FRI दाखिल हुई है उनके विरुद्ध में और इन्वेस्टिगेशन हाल चालू है।